सजाए मौत जो होती है जो और कंट्रीज में दी जाती है, क्या वो सही है? अगर सिखाने के लिए अगर यही चीज अगर इसी तरह से चलती रहेगी, और जैसा कि ये केस स्पेसिफिकली है कि लड़की को जिंदा जला दिया गया, तो ऑफ कोर्स सेम अब निर्भया का केस देख लो, जो जुवेनाइल था ही इज आउट राइट नाउ, क्या 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 कोई चांसेस नहीं है कि मतलब वो कर भी सकता है अभी, आगे भी वो गलत करेगा, उसको पता है कि वो आगे भी फ्री हो जाएगा अगर कुछ हो सकता। अगर एज अ पनिशमेंट लोगों को ये चीज़ पता लगती है कि हाँ एज अ डेथ पनिशमेंट अगर उनको मिलती है और लोगों को समझ आता है कि हाँ ये गलत है, तो ये भी सही है। मेरा भी के लिए जो तरीका सही है वो सही है, वही वही बात है, लोगों को जिस जिस भाषा में समझ में आता है उसी भाषा से समझाइए। अगर ऐसे केसेस में जहाँ पे मर्डर, दिस इज एक्चुअली लाइक अ मर्डर, तो फिर ऑब्वियसली बात, दिस इज बार्बरिक। और लड़की के साथ हुआ होता है तो क्या वो अपने घर वालों को फोन कर दिया पुलिस को, जिस पर उसको भरोसा ही नहीं है? लगती है कि दिल्ली में भी अगर हम पुलिस को कंसिडर करें तो वो सेफ है। अब यहाँ पे पिज्जा पहले आता है एज कम्पेयर टू पुलिस पहले आती है, ये दैट्स द फैक्ट जो बहुत टाइम से कि नहीं आप चले जाओ, ये आप कुछ किया हुआ होगा सेटल कर लो या जो भी, तो अगर वो सीरियसली नहीं लेंगे इस इशू को तो हाउ विल वी हैव द कॉन्फिडेंस टू गो टू द पुलिस। नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द राजधन पर। और जैसे हमें पता है हैदराबाद में हुआ एक रेप केस जो कि इंसानियत के नाम पर धब्बा है, आइए हम पूछते हैं कुछ दिल्ली की लड़कियों से, वो क्या सोचती हैं रेप क्यों होता है और इस जो हत्याकांड हुआ है वो क्या था, कितना घिनौना था। तो मैम बताइए प्लीज कि रेप क्यों होता है? आई थिंक ये हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। ऑफकोर्स आज के टाइम में जहाँ मतलब लड़कियों की एजुकेशन, और आई थिंक एजुकेशन इज द मेन थिंग, कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे सोसाइटी में, बट फिर भी आजकल ऐसी चीज़ें हो रही है। मेरे सबसे बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये, मतलब दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। फॉर मेंटेलिटी इज वन ऑफ द मेजर इशूज यहाँ पे, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बेसिकली घर में सिखाया क्या जाता है, बच्चों को एजुकेट नहीं किया जाता। फर्स्ट प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम इज दिस, कि बच्चों को एजुकेट नहीं किया जाता अबाउट द गर्ल्स, व्हाट्स हैपनिंग विद द गर्ल्स, सो दैट्स वन ऑफ द मेजर इश्यूज आई गेस। एक तो मेंटालिटी और दूसरा जेंडर इनसेंसिटिविटी, और इसके साथ साथ लोग भी अभी से मतलब कई लोग लिटरेट तो हैं बट एज इन एजुकेशन जो एजुकेट हैं वो बहुत ही कम प्रोपोर्शनेट में है। तो लोग भले ही कितने भी घर से हो, बड़े घर से हो, कुछ भी हो, बट फिर भी वो डिस्क्रिमिनेशन सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं स्टिल एग्जिस्ट। या आई फील कि सेम थिंग, द मेंटालिटी ऑफ पीपल, द काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिव इन, जो हमारी बचपन से ही वो थॉट डाला जाता है, रेप इज जस्ट वन थिंग, उससे पहले भी व्हाट वुमेन फेस, जैसे बाहर निकलते जो जो चीज़ें होती है, पीपल थिंक इट्स ओके टू कैट कॉल, लोग कमेंट पास करना, आप कुछ भी पहन रहे हो इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। ये दीज थिंग्स बिगिन एट द वेरी अर्ली स्टेजेस, मच बिफोर रेप, एंड इफ यू डोंट एड्रेस इट एट दैट स्टेज, तो रेप तो एक बहुत बाद में जाके आता है, बट इफ़ यू थिंक इट्स ओके टू डू सच थिंग, तो ये प्रॉब्लम वहीं पर शुरू हो जाती है। एंड द काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिव इन, पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो हमें कहती है कि वुमेन की एक पोजिशन अलग है एंड इट्स ओके फॉर मेन टू डोमिनेट एंड शो देम देयर पावर, सो दैट्स वेयर इट बिगिंस, दैट्स वेयर हाउ इट। जैसे हम सोसाइटी की बात करते हैं, लोगों लड़के कहते हैं कि लड़कियों को कम कपड़े पहनने की वजह से रेप होता है, उन्हें पूरे कपड़े पहनने चाहिए, तो आप क्या कहेंगे बीइंग अ बॉय, आपके व्यूज क्या हैं? नहीं यार, अगर आप बिल्कुल अगर ऐसे कहें कि भाई लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए उस वजह से रेप होता है, छोटे कपड़ों की वजह से रेप नहीं होता यार, ये बंदों की मेंटेलिटी के ऊपर रेप होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर ये मेरी सिस्टर है अगर बाहर जा रही है तो एटलीस्ट यार मुझे भी ऐसे एक सेफ फील आनी चाहिए, अगर बाहर जा रही है कोई इशू नहीं है कि मतलब यार कोई जा सके, बट लेकिन इतना मतलब नहीं है जो दल कर वो पहने ये, बट इट डजेंट मीन कि छोटे कपड़ों के उससे रेप होता है, मतलब मैं स्टेटमेंट को बिल्कुल ऐसे नहीं करता, ये बंदों की मेंटेलिटी छोटी होती है उस वजह से होता है। जैसे जैसे लड़कियों को कहा जाता है रात को लेट घर से ना निकले उनके लिए सेफ नहीं होता, तो आप लेट नाइट बाहर ट्रैवल करती होंगी? नहीं अभी ऐसा एग्जैक्टली, मतलब यही बात तो है कि हम आजकल इतना सेफ नहीं फील कर सकते चाह के भी, इसमें गवर्नमेंट की गलती समझो या फिर किसी की भी है ना, हम जैसे बाहर जाते हैं यू सी पीपल की अजीब तरह से देखेंगे या फिर कुछ भी, मतलब लोगों के कमेंट्स पास करना या एवरीथिंग, सो मेरे हिसाब से मतलब अभी आप इतना सेफ इसीलिए नहीं करते हो बिकॉज आप हर दिन आए दिन ये केस देख रहे हो कि आज ये हो रहा है आज वहाँ ये हो गया, सो आई थिंक इस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने चाहिए। अच्छा अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे तो आई हैवन ट्रैवल्ड उतना ज़्यादा रात को, बट वेयर एज आई लिव्ड इन फॉर पास्ट फाइव मंथ्स आई लिव्ड इन चेन्नई, दैट प्लेस आई फाउंड इट वेरी सेफ, वहाँ पे रात को ट्रैवल करना एंड स्टफ लाइक दैट नेवर देयर इजंट, मतलब कोई ऐसे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं होती कि कुछ हो जाएगा, वो सारी जगह मतलब बींग अ स्टूडेंट आई हैव ट्रैवल्ड एट नाइट्स बट नॉट इन दिल्ली या स्पेसिफिकली वेयर आई एम स्टडिंग, आई हैव स्टडीड समवेयर एल्स सो आई एम ट्रैवलिंग ओवर देयर एट नाइट बट नॉट। जैसे प्रियंका रेड्डी एक डॉक्टर थी, उनका प्रोफेशन ये था लेट नाइट कभी भी बुलाया जा सकता था, तो
तो क्या ये लोगों को, एक इंसानियत और एक देश के ऊपर धब्बा नहीं है कि एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, उनका उनका रेप करा जा रहा है? नॉट द मैटर ऑफ फैक्ट कि वो डॉक्टर थी, बीइंग अ गर्ल, चाहे वो कोई लड़की हो, कोई भी लड़की, इंस्टेड ऑफ द स्टेटस, रादर देन फोकसिंग ऑन द स्टेटस, आप लोगों को ये देखना चाहिए कि वो एक लड़की थी. क्या क्या वी बोथ आर डॉक्टर्स एंड वी नो हमारा प्रोफेशन कितना कब क्या होता है, हमारी भी नाइट ड्यूटीज लगती हैं, बट एट द पॉइंट इज दिल्ली में आप रात को नहीं निकल सकते. फैक्ट है एक्चुअली ये क्वेश्चन वही जो सेम उसने जो बात कही कि किसी के साथ भी हो वो गलत है, मतलब भले ही लड़का लड़की कोई भी हो, मतलब दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ये होना ही नहीं चाहिए हमारे हिसाब से. तो ना मतलब डॉक्टर वी नो डॉक्टर हम अगर हम पेशेंट्स भी देखते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अच्छी नज़रों से नहीं देखते और हमें वहीं पता लग जाता है, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज आप कुछ करने की कोशिश करोगे आपको ही कहीं ना कहीं बोला जाएगा, बिकॉज जेंडर इक्वालिटी को लेकर भी बहुत ज़्यादा इशूज़ हो रखे हैं. तो जिन्होंने भी ये क्राइम किया उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, तो उनकी आप शुरू से ही देखिए कि किस तरह से उनकी थिंकिंग इस तरह बन गई है कि मतलब इस तरह के क्राइम करने के बाद वो लोग सोच भी सकते हैं कि कोई डर नहीं है कि कोई सजा नहीं मिलेगी. नहीं होना चाहिए, इसकी जो पनिशमेंट होनी चाहिए उसमें कोई कुछ भी लिबरल नहीं होना चाहिए. जैसे आजकल लड़कियों का माइंडसेट बन ही चुका है कि वो सेफ नहीं फील कर रही हैं, तो क्या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी गलत है कि जो रेपिस्ट होते हैं आपको पता है उनको ना मौत की सजा होगी ना ही कुछ होगा, वो बस जिंदगी भर बैठ कर खाना खाएंगे जेल में? वो भी नहीं होता, निकलने वाले निकल जाते हैं, उनकी इतनी पहुंच होती है, इतनी चीजें होती है, बहुत ईजिली निकल जाते हैं. मैटर ऑफ फैक्ट इज इनको पनिशमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट करनी चाहिए ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ ये गलत चीज है. किस तरह की पनिशमेंट होनी चाहिए एक रेपिस्ट के लिए, किस तरह की, और एक इतना गलत तरीके से जो इन्होंने करा है रेप कर उसको जिंदा जला दिया है, क्या उसकी क्या सजा होनी चाहिए? कैपिटल पनिशमेंट, नो अदर, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पनिशमेंट. पनिशमेंट तो मतलब एक इंसान ने कर दिया उसको हम दे देंगे सजा, बट इशू वहाँ खत्म नहीं होता ना, इट्स अबाउट द सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, तो वो अंदर से ही इसको बहुत चेंजेस लाने की जरूरत है ताकि वो बात वहाँ तक पहुँचे ही नहीं. एक इंसान को पनिश करने दैट इज नॉट सफिशिएंट, एंड उसकी वजह से नहीं बदलेगा सोसाइटी एक ही दिन में कि एक को पनिश कर दिया. एग्जैक्टली, ये पनिशमेंट तो हम किसी एक दो व्यक्ति को दे सकते हैं, बट हर एक जो अंदर खोखलापन है हमारे समाज में, दैट्स द मेन पॉइंट जिसको भरना है. सजाए मौत जो होती है जो और कंट्रीज में दी जाती है, क्या वो सही है? अगर सिखाने के लिए अगर यही चीज अगर इसी तरह से चलती रहेगी, और जैसा कि ये केस स्पेसिफिकली है कि लड़की को जिंदा जला दिया गया, तो ऑफ कोर्स सेम. अब निर्भया का केस देख लो, जो जुवेनाइल था ही इज आउट राइट नाउ. क्या 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 कोई चांसेस नहीं है कि मतलब वो कर भी सकता है, अभी आगे भी वो गलत करेगा, उसको पता है कि वो आगे भी फ्री हो जाएगा अगर कुछ हो सकता. अगर एज अ पनिशमेंट लोगों को ये चीज़ पता लगती है कि हाँ, एज अ डेथ पनिशमेंट अगर उनको मिलती है और लोगों को समझ आता है कि हाँ ये गलत है, तो ये भी सही है. मेरा भी के लिए जो तरीका सही है वो सही है. वही बात है, लोगों को जिस भाषा में समझ में आता है उसी भाषा से समझाइए. अगर ऐसे केसेस में जहाँ पे मर्डर, दिस इज एक्चुअली लाइक अ मर्डर, तो फिर ऑब्वियस सी बात, दिस इज बार्बरिक. सो इट सपोज द पर्सन इज सपोज टू गेट अ काइंड ऑफ ही नीड्स टू बी हैंग, उसका कुछ नहीं किया जा सकता. बट वेयर एज बिकॉज हम लोगों का लॉ और ये जुडिशरी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट गो थ्रू वन केस, तो ये सब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. छः महीने की बच्चों वो भी आप सुनते होंगे, पीपल डू दो महीने की डेथ पनिशमेंट इज दैट, वो होनी चाहिए. उसी चीज को हम कपड़ों पे ब्लेम करते हैं, लड़की के ऊपर ब्लेम करते हैं, और ऐसे बच्चे और शॉर्ट्स पहनती है, इसका मतलब कि बच्चों के साथ भी हो रहे हैं, तो आप ये उस चीज को फिर आप कह नहीं सकते ये. हाँ, द पॉइंट इज आपको पनिशमेंट अगर देनी है दो आप डेथ पनिशमेंट, अगर उससे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो आई एम नॉट लाइक कि ये गलत चीज है, सही चीज है. अगर उनको उससे चेंजेस आते हैं, जो की जा सकती है वो कि इस तरह के केसेस को बहुत जल्दी एड्रेस किया जाना चाहिए. हर चीज के मामले में इतना वक्त निकालना कि इस चीज़ का, भाई 4 साल तक मामला चल रहा है, 10 साल तक मामला चल रहा है, इसी चीज़ की वजह से लोगों के मन में से डर खत्म होता है, और इसी चीज़ से फिर उनके दिमाग में ये ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी आती है. तो जिस तरह हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत धीरे काम कर रहा है, कहीं ये भी रेप को बढ़ा रहा है? कि लोग सोचते हैं कि उनको कुछ होगा नहीं, वो बच जाएंगे, या फिर बहुत टाइम लगेगा. शायद इसी वजह से लोग करते हैं क्योंकि उनको पता है वो बच जाएंगे. सम पीपल डोंट रिपोर्ट, जिनके साथ होता है उनके घर वाले नहीं करने देते, आसपास की सोसाइटी नहीं करने देती, और जो करते हैं उनको पता है कि कोई जस्टिस नहीं होता. निर्भया हत्याकांड में शायद इट टुक 4 or 5 years फॉर एवरीथिंग, क्या उतने इतना बड़ा इशू बना तब जाके कुछ हुआ. ये खालीपना बेसिकली लोगों को अभी से एजुकेशन सिर्फ हम एक ही क्या कर सकते हैं, व्हाट इज नॉट ओके, तो ये तो बचपन से ही डाला जा सकता है ना. ये बाद में चीजें, इफ यू हैव सीन दैट, पूरी लाइफ आप जैसे ग्रो हुए हो जैसे माहौल में, वही आपके अंदर आएगा, जो आप देखोगे आप वही करोगे.
जैसे हैदराबाद के होम मिनिस्टर ने कहा कि उनको प्रियंका रेड्डी को अपनी बहन की जगह अपने पुलिस स्टेशन में कॉल करना चाहिए था, वरना वो बच जाती। तो अगर किसी और लड़की के साथ हुआ होता ये, तो क्या वो अपने घर वालों को फोन कर दिया पुलिस को, जिस पर उसको भरोसा ही नहीं है। लगती है कि दिल्ली में भी अगर हम पुलिस को कंसिडर करें तो वो सेफ है। अब यहाँ पे पिज्जा पहले आता है एज कम्पेयर टू पुलिस पहले आती है, ये दैट्स द फैक्ट जो बहुत टाइम से एपैथी ऑफ पुलिस, दे टर्न यू अवे कि नहीं आप चले जाओ, ये आप कुछ किया हुआ होगा सेटल कर लो या जो भी। तो अगर वो सीरियसली नहीं लेंगे इस इशू को तो हाउ विल वी हैव द कॉन्फिडेंस टू गो टू द पुलिस।